आज मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो सारे यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और कैसे उसको फिल करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ NHPC CACA में यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग गया है। एज़ पर नोटिफिकेशन कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है, बट देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे और क्या और कहाँ पे फिलअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फुल नोटिफिकेशन के लिए वीडियो आपको आई बार पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे आप अपना डिटेल्स जो है प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर रीप्रिंट एप्लीकेशन स्लिप फॉर्म इन केस ऑलरेडी सेव्ड एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है। सबसे पहले चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक्सटर्नल कैंडिडेट और इंटरनल कैंडिडेट। अगर आप इंटरनल कैंडिडेट कोई होगा तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर इंसर्ट करेगा, उसके बाद इस डिटेल के लिए अप्लाई करेगा। बट फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको कैसे क्या करना है। उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पेज है। आपको अपना पोस्ट जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग फाइनेंस ऑफिसर के बारे में डिटेल फिलअप करते हैं और ये सारे डिटेल्स जो है एक बार मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने फुल डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, पूरी डिटेल आपको फिल करना है। कोई भी यहाँ पे जो स्टार मार्क्स है वो छूटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद एड्रेस डालना है, कैटेगरी से। मैंने यहाँ पे 250 रुपीज़ अगर जनरल OBC हैं आप तो फीस पे करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर आप यहाँ पे SC ST हैं तो आप एग्जम्प्टेड हैं। मैंने फॉर्म सबमिशन के लिए बस यहाँ पे SC कैटेगरी को चॉइस में लिया है ताकि मैं आपको फॉर्म सबमिट करके दिखा सकूँ। बाकी डिटेल मैंने इस तरीके से फिलअप कर दिया है। यहाँ पे आप CACMA का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको एवरेज लेना है CACMA का मार्क्स, यानी कि आपने 400 अगर CMA का या CA आपका इंटर का है उसमें कितना मिला है, 400 फाइनल में आपने कितना लिया है, दोनों का एवरेज यहाँ पे इंसर्ट करना है, क्लियरली मेंशन है। उसके बाद ही आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ये डिटेल CACMA जो भी आप यहाँ पे टैक्सेशन अकाउंटिंग मैनेजमेंट फाइनेंस सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। आपने जितना ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट किया है उसको ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन करना है। आपको कोर्स ड्यूरेशन आपने कितने में किया है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे ICMI लिखेंगे CMA वाले, और ICI या फुल भी लिख सकते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ईयर ऑफ पासिंग 2016। परसेंटेज यहाँ पे कोई भी राउंडिंग में नहीं लिखना, आपको सीधे 51.00 कुछ भी डैश डॉस या परसेंटेज नहीं लगाने हैं। फुल टाइम रेगुलर आप या कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको एकेडमिक वाले 10th 12th ग्रेजुएशन इस तरीके से फीड करना है। लाइक आपने अगर 2 साल में किया है, 3 साल अगर आपका बैक लगा है, 4 साल, तो उस तरीके से हम मेंशन करेंगे बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। यहाँ पे भी आपको पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एग्जैक्ट लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। उसके बाद आपने अगर एक्सपीरियंस गेन किया है तो आपको पॉइंट नंबर 3 में आपने क्या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए। एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजी यानी आप ऑर्डर होगा जो कि प्रेजेंट आपने कहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका जो है इंडियन नेशनलिटी में सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है वो मेंशन करेंगे, माइनॉरिटी में नो यस जो भी आप अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने SC ST किया तो फीस 0 आ रहा है, बट आप जनरल OBC या EWS सेलेक्ट करेंगे तो 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस। फिर उसको आपको अपलोड करना है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, यहाँ पे वो दिखा दूंगा। तो उसमें जाके उसको वो फीस जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन उसको पे करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको डिक्लेरेशन साइन करना है, यहाँ पे आपको जो कैप्चा आएगा उसे सबमिट करना है। ऑल मैंडेटरी फील्ड आप एक बार देख लीजिएगा, स्टार जो भी रेड में है वो फीड है या नहीं, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, सारा ओवरव्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे मैंने नो नो कर रखा है, SC लिया है ताकि मैं फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकूँ। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस आपको करना है, पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये कुछ नहीं डाला क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने अभी हटा दिया है। आपके पास है तो आप ज़रूर इंसर्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं पे करना है, सिग्नेचर हो गया। अब मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप तो देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर सबमिटिंग प्लीज़ कन्फर्म द एप्लीकेशन डेटा इज़ करेक्ट, आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई चेंज। और तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपको डाउट है तो कैंसिल करके देखिए, उसके बाद सबमिट करिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, जो परसेंटेज आप मेंशन कर रहे हैं सिर्फ आपको डॉट और कुछ नहीं लगाना है, 52.00
00 या 52.11 कुछ भी मेंशन नहीं करना, आपका 60% है तो ओनली 60 लिखना है, जहाँ पे भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। यहाँ पे अटैचमेंट आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो है नाम आपका आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो जो अप्लीकेबल है आपको अटैच करना है। आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है उन चारों को एक में ऐड कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 100 to 200 के बीच ही फाइल हो जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद अटैच कर दीजिएगा। इस तरीके से आप जो जो अप्लीकेबल है वो सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट है, लाइक ग्रेजुएशन मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे सेलेक्ट जाके आप चॉइस करेंगे जहाँ भी आपने फाइल अपना सेव करके रखा होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, सपोज मैं यहाँ पे ये अपलोड करता हूँ, इस तरीके से आपको अपलोड करना है, अटैच कर देना है फाइल को। तो यहाँ पे देखिए आ गया डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे मैं सिर्फ इस आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज ये है, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए सपोज ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। तो जैसे ही अटैच पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप अटैच कर लेंगे। डिलीट करना है गलत, अगर फोटो सेलेक्ट कर लिया या फाइल तो आपको ये डिलीट कर देना है। तो 100 to 200 के बीच आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे ही आप ये सारे अटैच कर लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जिन लोगों पर फीस अप्लीकेबल है वो लोग पे चालान जनरेट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, पे चालान जैसे ही जनरेट कर लेंगे अगेन आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू एंटर पे स्लिप डिटेल। तो यहाँ पे डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, और आपको यहाँ पे वो सबमिट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका फीस जो है वो पेमेंट हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स ऑल डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। सिर्फ लोगों को यहाँ पे डाउट है कि 60% मांगा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल में परसेंटेज मेंशन कर रहे हैं वो एग्जैक्ट डालिए, 50 है तो 50, 52 है 52, 55 है 55 डालिए, 60 60% नहीं लगाना है, डॉट कुछ भी नहीं लगाना है। आपको ओनली पर न्यूमेरिकल डालना है, 51, 52, 53, 60, 65, 70 जो है सिर्फ वही मेंशन करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके डाउट सॉल्व हो गए तो जरूर लाइक करें। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो ही गए होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।